हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लिवर। आज के इस वीडियो में हम लिवर के बारे में जानेंगे और लिवर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। इंटरनल ऑर्गन इसलिए क्योंकि जो हमारी जो स्किन है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है और वो सबसे बड़ी ऑर्गन है, लेकिन जो लिवर है वो क्या है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, जिसका जो वेट होता है वो अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और जो हमारा लिवर होता है वो कहाँ पे होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे स्टमक के ऊपर राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लिवर। जैसे मान लो ये मेरी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर प्रेजेंट होता है स्टमक के ऊपर राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये तो हमारी है लिवर की पोजीशन। जो लिवर का कलर होता है वो डार्किश रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, हमारा लिवर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को अपने डायग्राम से। तो चलो क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये हमारा है लिवर का डायग्राम, और जो हमारा लिवर होता है, देखो ये हिस्सा हमारा क्या है, लिवर है, जो कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। अब जो हमारा लिवर है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड है। इस हिस्से को हम कहते हैं लेफ्ट लोब और इधर वाले हिस्से को हम कहते हैं राइट लोब। जो राइट लोब होता है वो बड़ा हिस्सा होता है और जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट लोब और जो राइट लोब है, इसे बीच से क्या हो गया है, पार्टीशन। एक हमारी लिगामेंट है जो कि राइट लोब को और लेफ्ट लोब को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करती है। उस लिगामेंट का क्या नाम है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो कि क्या करती है, लेफ्ट लोब को राइट लोब से सेपरेट करती है, ठीक है। अब देखो ये देखो, आपको लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, और सॉरी राइट से एक डक्ट निकल रही है और लेफ्ट से एक डक्ट निकल रही है। इनका नाम क्या है, जो लेफ्ट से निकल रही है उसका नाम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, और जो राइट से निकल रही है उसका नाम क्या है, राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। जो लेफ्ट से निकल रही है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और जो राइट से निकल रही है वो राइट हेपेटिक डक्ट। अब देखो ये दोनों आकर एक जगह पे आपस में मिल गए हैं। जब ये मिल जाते हैं ना आपस में, जब ये जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गॉल ब्लैडर, है ना, आपके बुक में ग्रीन कलर का होगा। ये आपको क्या दिख रहा है, गॉल ब्लैडर। यहाँ से भी एक डक्ट जा रही है, इस डक्ट को क्या कहते हैं हम, सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब देखो ये तीनों जाकर एक जगह पे मिल गए, ये वो जगह है जहाँ पर हमारा राइट लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट है और जो गॉल ब्लैडर का जो सिस्टिक डक्ट है, वो तीनों जाकर आपस में मिल गया है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, या फिर आप चाहो तो इसे आप बाइल डक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। जो लीवर है वो क्या करता है, वो बाइल का प्रोडक्शन करता है ना, और जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, जो लीवर बाइल का प्रोडक्शन कर रहा होता है वो आकर हमारे ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसे तो आप जानते ही हो, ये हमारा क्या है, स्टमक, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारा क्या है, स्टमक। ये हिस्सा क्या है, पैनक्रियास, और ये हिस्सा क्या है, ड्यूओडेनम। अच्छा बार बार पढ़ते रहते हैं बट जानते नहीं ना ड्यूओडेनम क्या होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन बनना स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूओडेनम कहते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा एग्जाम में ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, लिखने के लिए कुछ चाहिए ना, तो चलो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहा हमारा लिवर, सबसे पहले पढ़ते हैं, द लिवर इज लोकेटेड इन द अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बीनीथ द डायफ्राम एंड द टॉप ऑफ द स्टमक। देखो वही कह रहा है कि जो हमारा लिवर है वो कहाँ पे रहता है, अपर साइड पे, राइट साइड पे, डायफ्राम के नीचे, स्टमक के ऊपर, ठीक है। ये हमारी क्या है, हमारी लिवर की पोजिशन है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, शेप कैसा होता है, कोन। देखो आपको दिख रहा है ना, शेप कैसा है इसका, कोन जैसा है, ठीक है। आगे पढ़ते, कलर कैसा होता है, डार्क रेडिश ब्राउन। देखो इतना बड़ा ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड की, न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसीलिए उसका कलर कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है, रेड रेड सा होता है, तो लीवर भी कैसा होगा, डार्क रेडिश ब्राउन ही होगा, है ना। अब देखो जो उसका वेट होता है वो कितना होता है, 3 पाउंड, ठीक है, जो कि है 1.361 kg।
ठीक है। लेकिन जो लीवर का जो वेट होता है ना, वो ऐसा नहीं फिक्स है, वो क्या होता है, वो 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक वेरी करता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत ही बड़ा वेट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 डिस्टिंक्ट सोर्सेज दैट सप्लाई ब्लड टू द लीवर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कह रहा है 2 ऐसे सोर्सेज हैं जो कि जो हमारा लीवर होता है उसमें ब्लड की सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें देखो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन फ्रॉम द हिपेटिक आर्टरी। देखो ये 2 चीज़ें हैं, आप इनको स्टामक बना लेना, हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक पोर्टल वेन। देखो क्या कह रहा है हिपेटिक आर्टरी के बारे में, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन फ्रॉम द हिपेटिक आर्टरी, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो ब्लड जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन, वो किसके थ्रू फ्लो होता है, हिपेटिक आर्टरी के थ्रू। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लोज इन फ्रॉम द हिपेटिक पोर्टल वेन, और जो कि न्यूट्रिएंट वाला जो ब्लड होता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, हिपेटिक पोर्टल वेन। अभी आप ये कहोगे कि ये डायग्राम में क्यों नहीं है, क्योंकि ना ये डायग्राम बनाने से ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में आर्टरी वेन तो रहती है, तो अगर मैं यहाँ पे आर्टरी वेन बना रही थी ना, तो ना सारे डायग्राम क्लियर नहीं दिख पाएंगे, इसीलिए इतना तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप इसको लर्न कर लेना। अब जो क्या कह रहे हैं, द लीवर होल्ड अप टू 13% बॉडीज ब्लड सप्लाई एट एनी गिवन मोमेंट। देखो अब इतना बड़ा ऑर्गन है तो ब्लड का अमाउंट भी तो ज़्यादा कैरी करेगा ना, तो जो हमारा लीवर होता है ना, वो 13% हमारी पूरी बॉडी का ब्लड कैरी करता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइल, देखो वैसे तो मैंने इसके पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था, बाइल के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लीवर है, जो ये सब है, ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको लीवर को अच्छे से समझने के लिए पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे से समझना चाहिए। तो चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लीवर, सॉरी बाइल। देखो बाइल क्या कह रहा है, बाइल इज अ फ्लूड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय लीवर। कि बाइल क्या एक फ्लूड है जो कि लीवर बनाता है और लीवर रिलीज करता है, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और वो क्या होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल्स हेल्प इन डाइजेशन। जो बाइल होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जब जो बाइल होता है लीवर से निकल के जब यहाँ पे आता है ना गॉल ब्लैडर में, तो आने का जाने का रास्ता अलग अलग नहीं होता, सेम वे से आता है और सेम वे से ही चला जाता है। जब थोड़ा सा ना जो इसके अंदर वो होता है बाइल, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होने के बाद वापस से वो यहाँ से रिलीज़ होता है और हमारे ड्यूओडेनम तक आ जाता है, फिर हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो तो होता ही है। लेकिन अब देखो मैं आपको एक मेन बात बता रही हूँ, जो हमारा लीवर होता है ना, वो सैकड़ों, मतलब ये समझ लो कम से कम 500 फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इतने सारे फंक्शन तो हमको याद करना ज़रूरी नहीं है ना, बट जो कुछ मेन फंक्शन है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अब लीवर का फंक्शन पढ़ाती हूँ। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि लीवर कितने सारे फंक्शन है कि इस बोर्ड पर लिखना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो मेन फंक्शन है ना उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है लीवर का वो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल विच हेल्प कैरी अवे वेस्ट एंड ब्रेक डाउन फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। क्या कह रहा है, जो हमारा लीवर होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, जो कि क्या करता है, विच हेल्प कैरी अवे वेस्ट, जो कि वेस्ट को कैरी अवे करने में, एंड ब्रेक डाउन फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। देखो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो बाइल होता है वो क्या करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो फैट्स का डाइजेशन होता है उसको करने में कौन हेल्प करता है, लीवर, क्योंकि कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। तो वही तो लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन करता है फॉर ब्लड प्लाज्मा के लिए। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे स्टामक कर लेना। क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ना, जब हम कंजम्पशन करते हैं, जब हम कुछ खाते पीते हैं, जब ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, मेरे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या मैं पूरी एनर्जी इकट्ठे यूज़ करूँगी, नहीं ना, मेरे को जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तब तब यूज़ करूँगी ना। तो स्टोरेज का काम कौन करता है, लीवर ही तो करता है। जैसे मान लो हम खाना
खा रहे हैं, हमको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ने पढ़ा था ना कि खाना कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वापस या कि वो स्टोर कहाँ पे होता है। अब उतना बड़ा लीवर है तो क्या करेगा, कुछ स्टोर का काम तो करेगा ना, तो वहाँ पे भी हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो जाकर लीवर में स्टोर हो जाता है। देखो वही कह रहा है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस जो ग्लूकोज होता है, जब एक्सेस मात्रा हो जाती है उसकी, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है फॉर स्टोरेज, स्टोर हो जाता है। एंड ग्लाइकोजन कैन लेटर LATER कैन लेटर बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी। और जब हमको चाहिए होती है तो जो ये ग्लाइकोजन है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर तो स्टार सन मून सब कुछ बना लेना। देखो क्या कह रहा है कि लीवर हैज़ ब्रोकन डाउन हार्मफुल सब्सटेंस। जो हमारे जो लीवर होता है ना वो बॉडी से टॉक्सिक जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है उसे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि लीवर हैज़ ब्रोकन डाउन हार्मफुल सब्सटेंस, इट बाई प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन टू द बाइल और ब्लड। के जो लीवर है वो हार्मफुल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करता है, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीट होते या फिर बाइल में या फिर ब्लड में। तो जो बाइल का बाई प्रोडक्ट्स होता है वो कह रहा है एंटर द इंटेस्टाइन, बाइल बाई प्रोडक्ट्स एंटर द इंटेस्टाइन एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीकस। कह रहा है जो बाइल का बाई प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जो इंटेस्टाइन में एंटर करता है, इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद क्या करता है, बॉडी से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ फीकस। आई होप यू नो अबाउट फीकस। ठीक है, देखो नेक्स्ट कह रहा है कि जो ब्लड का बाई प्रोडक्ट होता है आर फिल्टर्ड आउट बाई किडनीज। वो क्या होता है, वो किडनी से फिल्टर आउट होकर एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वो यूरिन के फॉर्म से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो बाइल का बाय प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, फीकस के फॉर्म में, और जो ब्लड में आया हुआ होता है वो क्या होता है, किडनी से फिल्टर आउट होकर बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। देखो कितना सिंपल बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजन सब्सटेंस। ठीक है, हमारे ब्लड क्लियर भी करता है, जो भी कुछ हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, जो भी कुछ कभी कभी खाना खाते हैं तो कुछ कुछ जर्म्स बैक्टीरिया भी तो आ जाते हैं ना, उनको भी क्लियरिफाई, उनका भी प्योरिफिकेशन कौन करता है, लीवर भी करता है कुछ मात्रा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग, कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको भी रेगुलेट करता है, एंड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा एंड सो ऑन बहुत सारे फंक्शन है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखो मैं थोड़ी सी बात बताती हूँ आपको, आजकल की जो बदलती हुई जीवन शैली है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और जब हमारा लीवर इतना सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो अगर हमारे लीवर को कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो उसका असर हमें क्या होता है, पूरे शरीर में दिखाई देता है। मानते हो अब ये बात, तो देखो मान लो कोई बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता बट उसके बावजूद भी बहुत तला भुना खाता है, बहुत फास्ट फूड खाता है, बहुत जंक फूड खाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली रिफाइंड ऑयल से हुई जो डिश लेता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, तो उनसे क्या होता है, फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। आपने सुना होगा फैटी लीवर की समस्या में, उसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं ना उनमें जमने लगता है, और जब हमारे शरीर में जो फैट अवेलेबल होता है उसका अगर हम टोटल करें और वो टोटल हमारे जो उसका जो वेट होता है वो हमारे लीवर के वेट से अगर 10% ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। इसमें ये ना दो टाइप्स का होता है, फैटी लीवर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स क्या होता है, फर्स्ट टाइप इज़ एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एंड सेकेंड टाइप इज़ नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ठीक है, एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ किसे होगा, जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करता होगा, और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ किसे होगा, जो बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड फास्ट फूड ये सब खाता होगा, उन्हें क्या होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होता है। इनकी कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो कि जैसे जनरली कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, बट जब दिखाई देते हैं तो पेट में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा आना, वेट लॉस होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, पीलिया हो जाना, बुखार रहना, पेट में ऐंठन से दर्द होना, ये सब क्या होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। वैसे इनके इलाज हैं, मेडिकल में अवेलेबल हैं, बट हम ऐसा क्यों कुछ करें ही क्यों कि हमको इलाज के लिए ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ आसपास के हमारे माहौल से भी होता है, क्योंकि हम सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं।
तो और जो हमारा एक बात और जो हमको याद रखनी चाहिए, जो हमारा लीवर होता है उसके पास बहुत अच्छी रीजनरेशन की पावर होती है। अगर मान लो किसी का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन अगर मान लो किसी का लीवर बिल्कुल क्या हो गया, डैमेज हो गया, बट अगर अभी भी 6% उसका सही सलामत है तो सोचो 6% से पूरा का पूरा लीवर तैयार हो जाता है तो कितनी अच्छी रीजनरेशन की पावर है। लेकिन जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया फैटी लीवर के बारे में, इस पर कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। दैट्स ऑल, बाय गाइज।